सो सैटेलाइट्स आपके कुछ सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो कि अर्थ के चारों तरफ मूव करते हैं. कुछ सैटेलाइट नेचुरल होती हैं, देर आर सम सैटेलाइट्स विच आर ह्यूमन मेड. नाउ वी टॉक अबाउट द नेचुरल सैटेलाइट दैट इज मून. अब हम मून के बारे में बात करते हैं. आर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून. इट इज इट्स डायामीटर इज ओनली वन क्वार्टर दैट ऑफ द अर्थ. इट अपियर सो बिग बिकॉज इट इज वेरी नियर टू आर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज. तो ये जो आपका मून मून है ये बहुत आपको बड़ा दिखाई देता है बिकॉज ये हमारे अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है. इट इज अबाउट 384,400 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस. नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून. सो अर्थ जो है वो आपके सन से बहुत दूर है लेकिन जो मून है वो मून अर्थ के बहुत ज्यादा क्लोज है. ओके, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 days. ओके, सो 27 days लगते हैं मून को अर्थ के चारों तरफ मूव करने में. इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन. एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ. आप ये नोटिस करिएगा, यू गो ऑन टेरिस एंड यू ऑब्जर्व दीज थिंग्स. ठीक है, आप टेरिस पर जाएं और ये ऑब्जर्व करें, आपको मून का सिर्फ और सिर्फ एक साइड विजिबल होगा. यू विल सी ओनली वन साइड ऑफ द मून. द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ. इट हैज माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. दीज कास्ट शेडोज ऑन द मून्स सरफेस. लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शेडोज. कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि मून पर कुछ शेडो दिखाई दे रही है या मून पर आपको कोई फीचर दिखाई देगा. ठीक है, सो दिस इज ऑल व्हाट मून पर कुछ माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं. तो वो प्लेन्स और माउंटेन्स जो मून पर सिचुएटेड है, फीचर्स जो मून पर अवेलेबल हैं, वो फीचर्स जब अपनी शेडो कास्ट करते हैं तो वो आपको विजिबल होती है. एंड इट अपियर्स एज इफ कि मून पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है. बट मून पर एज सच लाइफ नहीं है बिकॉज वहां पर लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है. दैट इज वाई वहां पर ह्यूमन हैबिटेशन पॉसिबल नहीं हो सकता. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट मून. ये आपके मून के बारे में है. नाउ वी कम टू एस्टेरॉइड्स. अब आ जाइए आप एस्टेरॉइड्स पर. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन. तो ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी टाइनी बॉडीज हैं जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं. ठीक है, इन बॉडीज को बोला जाता है एस्टेरॉइड्स. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट्स ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक. साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जब प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, ये प्लैनेट्स जो हैं, इन सब प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई है. ओके, स्लोली एंड ग्रेजुअली ये प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हुई है जो आप आगे हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं. तो जब इन प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी तो ऐसे छोटे छोटे टाइनी टाइनी वीकेंड से कुछ बॉडीज हैं जो उनकी लेफ्ट रह गई, जो पीछे रह गए. ठीक है, जो प्लैनेट्स साथ में कनेक्ट नहीं हो पाए. या जब प्लैनेट्स की फॉर्मेशन हो रही थी तो ऐसा होता है कुछ वेस्ट, मान लीजिए कुछ वेस्ट है उन प्लैनेट्स का जो रह गया है, तो वो सारा का सारा वेस्ट जो है वो कलेक्ट हो गया और एक बेल्ट की फॉर्म में ये बन गया और इसे बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट. क्लियर? इसे क्या बोलते हैं हम? एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं. यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अब कहाँ पर आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट है. तो यू कैन सी दैट दीज आर द टाइनी बॉडीज दैट आर विजिबल टू यू. यहाँ पर ये टाइनी टाइनी बॉडीज हैं जो आपको दिखाई देती हैं और ये पूरी की पूरी जो है एक बेल्ट की फॉर्म में क्रिएट हो गए हैं. ठीक है, सारी की सारी टाइनी बॉडीज जो है एक बेल्ट की फॉर्म में क्रिएट हो चुकी है. और ये दोनों किसके, कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में आते हैं? मार्स और जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में आते हैं. ठीक है, इसे बोला जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट. इसे क्या बोला जाता है? एस्टेरॉइड बेल्ट बोला जाता है. ऑलराइट, नाउ वी हैव मीटेरॉइड्स. द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड एज मीटेरॉइड. तो ये भी छोटे छोटे रॉक के पीसेस होते हैं जो कि सन के चारों तरफ घूमते हैं, इन्हें मीटेरॉइड्स बोला जाता है. समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड दे टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट. कई बार ये मीटेरॉइड्स अर्थ के पास में आ जाते हैं और ये अर्थ सरफेस पर गिर जाते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड दे बर्न. तो जब ये अर्थ पर आ रहे होते हैं तो उस प्रोसेस के अंदर ये बर्न हो जाते हैं, आसमान में ही, स्काई में ही पूरे बर्न हो जाते हैं. इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट
Sometimes a meteor, without being completely burnt, falls on the earth and it creates a hollow. कई बार ऐसा भी पॉसिबल है कि जो मेटेयर्स आपके आते हैं, वो मेटेयर्स आपके सीधा इतना तेज आते हैं, बहुत रैपिडली आते हैं, एंड दे कम ऑन द अर्थ सर्फेस, और वो अर्थ सर्फेस पर आकर के कुछ ऐसे डिप्रेशंस क्रिएट कर देंगे. यू विल फाइंड डिप्रेशंस. कई बार मेटेयर्स की वजह से बहुत हैवी डिस्ट्रक्शंस हो जाता है अर्थ पर. ऑल्सो एट टाइम्स यू विल सी, जब मेटेयर्स ऊपर से आ रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि मेटेयर्स एयर के फ्रिक्शन से वहीं स्काई में ही ये बर्न हो जाएंगे और ये अर्थ तक नहीं आ पाते हैं. ठीक है, तो इनकी वजह से कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता. ये सब प्रिडिक्ट भी करा जाता है. जो आपके जोग्राफर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, वो ये पूरा का पूरा प्रिडिक्शन करते रहते हैं, कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करते रहते हैं, एंड दे ऑफन कम टू नो दैट नाउ अ वेरी बिग मीटियोर इज कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ. ये बहुत बड़ा मीटियोर है जो अर्थ के पास में आ रहा है. ऐसे बहुत सारी डिस्कवरीज हुई हैं, ऐसे बहुत बार नोट करा गया है. स्टडीज हैव बीन डन एंड इन दैट स्टडी इट इज फाउंड दैट अ मीटियोर इज कमिंग वेरी क्लोज टू द अर्थ एंड इट माइट क्रिएट हैवी डिस्ट्रक्शंस. अगर वो अर्थ पर गिरता है तो वो बहुत तेजी से डिस्ट्रक्शन करेगा. वहां पर एक डिप्रेशन क्रिएट हो सकता है, गड्ढा हो सकता है. ठीक है, बट अगर ये अर्थ सरफेस पर नहीं गिरते हैं तो ये आसमान में ही जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं. ठीक है, और ये वहीं एंड हो जाएंगे, ये अर्थ सरफेस तक नहीं आते हैं. लेकिन जब ये आसमान में जलते हैं, स्काई में ये बर्न होते हैं, तो वहां पर एक ये लाइट, फ्लैश ऑफ लाइट दिखती है. डू यू सी अ वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टेरी नाइट? इट इज द क्लस्टर ऑफ मिलियन ऑफ स्टार्स एंड दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी. इसे क्या बोला जाता है? मिल्की वे गैलेक्सी बोला जाता है. कई बार आप देखेंगे ऐसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स आपको दिखाई देंगे और कुछ वाइट वाइट आपको बहुत ज्यादा मिल्की टाइप ऐसा कुछ एक पूरा का पूरा वे दिखाई देगा. सो इसे बोला जाता है मिल्की वे गैलेक्सी. आर सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी. हमारा सोलर सिस्टम इस गैलेक्सी का पार्ट है. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हमारा सोलर सिस्टम कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है. इन एंशियंट इंडिया इट वॉज इमेजिन टू बी अ रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई. पुराने टाइम्स में, एंशियंट टाइम्स में ऐसा माना जाता था दैट इट इज अ रिवर ऑफ लाइट विच इज फ्लोइंग इन द स्काई, कि मानो कोई एक लाइट की रिवर है. बिकॉज रिवर्स आपको पता है कैसे फ्लो करती हैं, तो ऐसा लगता था नाइट स्काई में जब देखते थे, सो इट अपियर्स एज इफ कोई लाइट है और वो लाइट एक रिवर की तरह पूरी फ्लो कर रही है. ठीक है, दस इट वॉज नेम्ड एज आकाश गंगा. इसे क्या नाम दे दिया गया? आकाश गंगा नाम दे दिया गया. गंगा इज वन ऑफ द रिवर, इट इज अ वेरी लॉन्ग रिवर. सो इतना लंबा आसमान में जब एक लाइट की फॉर्म में आपको रिवर दिखती है, मतलब बेसिकली उसको टर्म दिया गया है, इसको सिमिलराइज करा गया है. ठीक है, सो उसी तरीके से इसको इसको भी एक नाम दे दिया गया है, तो आकाश गंगा बोला जाता है. अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. गैलेक्सी क्या होता है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिफाइन गैलेक्सी. सो गैलेक्सी इट इज अ ह्यूज सिस्टम, एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है, बिलियंस ऑफ स्टार्स, बहुत सारे स्टार्स, क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. देर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स. ऐसी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं जो आपके यूनिवर्स को बनाती हैं. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, द यूनिवर्स इज सो सो बिग. साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट. वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट साइज, बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स. ठीक है, तो अभी तक ये पता नहीं लगा है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है. स्टिल द स्टडीज आर गोइंग, रिसर्चेस आर बीइंग डन एवरी टाइम, बट इट इज नॉट श्योर. इन दिस एग्जैक्ट नंबर्स हम नहीं बता सकते हैं कि यूनिवर्स आपका इतना बड़ा है, बट इट इज वेरी वेरी क्लियर दैट यू एंड मी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स. आप और हम मिलकर के पूरा यूनिवर्स बनाते हैं. ठीक है, सो विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर. हमने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, दैट इज द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. वी स्टार्टेड द चैप्टर, वी डिस्कस्ड इट, एंड हमने आपके अर्थ के बारे में बात करी, अर्थ इन द सोलर सिस्टम, अर्थ की क्या पोजीशन है. हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करी थी. नाउ वी हैव अ वेरी क्विक रिवीजन टू ऑल द चैप्टर्स, टू ऑल द पॉइंटर्स दैट वी हैव कवर्ड इन द चैप्टर. ओके, सो जस्ट कम एंड हैव अ वेरी वेरी क्विक रिवीजन. हम फटाफट से एक बार सारा रिवाइज करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या कवर करा है.
वी स्टार्टेड विद सम ऑफ द टर्म्स लाइक फुल मून क्या होता है, न्यू मून नाइट किसे बोलते हैं, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये हमने सब आप डिस्कस करा था. स्टार्स किसे बोला जाता है, बहुत बड़े बहुत हॉट होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, ओन हीट एंड लाइट एग्जाम्पल की बात करी. कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, कॉन्स्टलेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं कॉन्स्टलेशन के, पोल स्टार के बारे में डिस्कस करा था, इसे नॉर्थ स्टार भी बोला जाता है. राइट, देन वी मूव्ड अहेड डिस्कसिंग अबाउट प्लैनेट्स, हमने प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करा, सैटेलाइट के बारे में डिस्कस करा, कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे थे कि आपको इजिली रिकॉग्निजेबल इजिली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टलेशन कौन सा है, इट इज योर सप्त ऋषि. सप्त का मीनिंग होता है सेवन, ऋषि का मीनिंग होता है सेजेस. हम इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं, पोल स्टार की मदद से फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, वी डिस्कस्ड टिल हियर एवरीथिंग, है ना, हमारा नियरेस्ट स्टार कौन सा है, सन है, कंपेनियन कौन है हमारी अर्थ का, मून है. ठीक है, डू प्लैनेट्स हैव देयर ओन मून्स टू, यस, हर प्लैनेट के पास में अपना अपना एक मून होता है. ओके, नाउ टुडे दैट वी स्टार्टेड विद सोलर सिस्टम, आज हमने आपको सोलर सिस्टम स्टार्ट करा था. सो सबसे यहाँ पर पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे, डिफाइन सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम को डिफाइन करें. सो द सन, एट प्लैनेट, सैटेलाइट एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज, दे आर नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मीटेराइड्स, ये सारे के सारे मिलकर के आपके सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं. वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड, क्यों इसे सोलर फैमिली बोलते हैं, बिकॉज सन इसके सेंटर में है और सन इसका हेड होता है. मीनिंग ऑफ द वर्ड सोलर, ये भी हमने डिस्कस करा, सोलर वर्ड का मीनिंग क्या होता है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सन, सन बिल्कुल सेंटर में आता है, हॉट गैसेस से मिलकर ये बना है, ये एक फोर्स प्रोवाइड करता है जो कि आपके पूरे सोलर सिस्टम को कनेक्ट करके रखता है, बाइंड करके रखता है, इट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट. राइट, ये हमारी अर्थ से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर. प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करा, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, ये आपकी एक ट्रिक है प्लैनेट्स को याद करने की. ठीक है, दीज आर द नोट्स दैट आई हैव रिटन, मैंने पूरी के पूरे आपके बुक को कंपाइल करा है इन शॉर्ट पॉइंट्स में, आप इन पॉइंट्स को अपनी कॉपीज में नोट डाउन कर लीजिए. ठीक है, बिकॉज इट इज ईजी टू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम वन साइड, आपको बुक्स नहीं रीड करने पड़ेंगे बार बार, आप इन पॉइंट्स को लिखते जाएं, याद करते जाएं, इट विल बी ईजी फॉर यू. दीज पाथ आर इलोंगेटेड एंड दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स क्या होते हैं, ये इलोंगेटेड पाथ होते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं आपके सारे के सारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, दीज आर सम इलोंगेटेड पाथ, इस तरीके से ये इलोंगेटेड पाथ होता है. देन अर्थ के बारे में डिस्कस करा, नियरेस्ट प्लैनेट है, थर्ड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ साइज, ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, पोल्स के यहाँ से फ्लैट होता है, इसे जियोइड शेप बताया गया है, जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, कंडीशंस यहाँ पर फेवरेबल है, लाइफ सपोर्टिंग एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है. आउटर स्पेस से जब हम इसे देखते हैं तो ये कुछ ब्लू कलर, ब्लू ब्लू अपियर होती है, बिकॉज यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है, सिंस इतना वाटर प्रेजेंट है ओशन बॉडीज के अंदर, ये ऊपर से आपको स्पेस से ब्लू कलर की दिखाई देगी, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट बोला गया. देन वी टॉक्ड अबाउट द मून, मून आपके अर्थ की एक नेचुरल सैटेलाइट है, इट इज द ओनली सैटेलाइट, अर्थ के पास में सिर्फ और सिर्फ एक मून है, अर्थ हैज ओनली वन मून. ओके, मून अपियर्स टू बी वेरी वेरी बिग बिकॉज ये हमारे प्लैनेट के बहुत क्लोज है, इसका डिस्टेंस कितना है अर्थ से. ठीक है, देन यू सी दैट मून का आपको सिर्फ वन साइड विजिबल होता है, यहाँ पर आपको ऐसा सच कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है कि यहाँ पर ह्यूमन रह सकें जाकर के, यहाँ पर आपको माउंटेन्स, प्लेन्स, डिप्रेशंस विजिबल होते हैं सरफेस पर, और वो शेडोज बनाते हैं मून सरफेस पर. देन वी टॉक्ड अबाउट द एस्ट्रॉइड, कुछ ऐसी टाइनी बॉडीज हैं जो कि कलेक्ट हो गए हैं और उन्होंने एक एस्ट्रॉइड बेल्ट बनाई है, कि कहाँ है, कौन से दो प्लैनेट के बीच में आते हैं, मार्स और जुपिटर, मार्स और जुपिटर. सो मार्स और जुपिटर के बीच में आपके एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है. देन वी हैव मीटेरॉइड, मीटेराइट्स क्या होते हैं, ये भी अगेन पीसेस ऑफ रॉक्स हैं जो कि सन के चारों तरफ मूव करते हैं. ठीक है, कई बार आप देखेंगे ये अर्थ पर भी आ जाते हैं, एंड एट टाइम्स यू विल सी दैट दे बर्न अप इन द स्काई ओनली. नाउ दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी, कौन सी गैलेक्सी का ये पार्ट है, मिल्की वे गैलेक्सी. अदर नेम ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी, आकाश गंगा. एंशियंट टाइम्स में ऐसा माना गया कि लाइट की रिवर फ्लो कर रही है हमारे स्काई में, उसे बोला गया आकाशगंगा. गैलेक्सी का मीनिंग क्या होता है, यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है,
कौन से दो टाइप ऑफ सैटेलाइट्स हमारे प्रेजेंट है, एक नेचुरल एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट, और ये हमने दोनों डिस्कस भी कर लिए. देन नेम द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, कौन सा पहला इंसान था जिसने आपके मून के सर्फेस पर फॉर द फर्स्ट टाइम ही विजिटेड द मून सर्फेस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग. ओके, स्पीड ऑफ एट वॉट स्पीड द लाइट ट्रेवल्स, लाइट जो ट्रेवल करती है उसकी एक स्पीड होती है, ठीक है. सो लाइट की ट्रेवलिंग स्पीड पर सेकेंड इज यू कैन सी हियर. ओके, देन एस्ट्रोनॉमर्स किसे बोला जाता है, फेमस एस्ट्रोनॉमर कौन है हमारे एंशियंट इंडिया के, आर्यभट्ट हैं. कौन से प्लैनेट है जिनके अराउंड आपको एक रिंग देखने को मिलती है, यू विल फाइंड सम ऑफ द प्लैनेट्स जिनके पास में एक रिंग है. ओके, रिंग यू कैन सी हियर, यहां देखिए ये इस तरीके की एक रिंग है. सो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जिनके पास में ऐसी रिंग है, उनके नेम्स आपको बताने हैं, ठीक है. तो क्या क्या नेम्स होंगे उनके, जुपिटर सैटर्न यूरेनस, तीन प्लैनेट्स हैं और इन तीनों प्लैनेट्स के पास में अपनी अपनी एक रिंग है. डिफरेंस बिटवीन इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट ये हमने कर लिया. इनर प्लैनेट्स वेरी वेरी क्लोज टू द सन, आउटर प्लैनेट्स आर वेरी फार अवे. इनर प्लैनेट्स रॉक्स से मिलके बने हैं, आउटर प्लैनेट गैसेस से मिलके बनते हैं, ठीक है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. एंड फाइनली वी कम टू दिस टेबल, ये टेबल आपकी बुक में दे रखी है, इनर प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट. फॉर दिस क्लास एट दिस लेवल, क्लास सिक्स के लेवल पे आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कौन से प्लैनेट्स हैं जो इनर प्लैनेट कहलाते हैं और कौन से हैं जो आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, ठीक है. यहाँ पर ये पूरी डिटेल दे रखी है आपको हर प्लैनेट की, वन ऑर्बिट अराउंड द सन, दैट मीन्स प्लैनेट को कितने दिन लगते हैं उसके पूरे ऑर्बिट का चक्कर लगाने में अराउंड द सन, बिकॉज प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. तो आपकी अर्थ को 365 डेज लगते हैं पूरा का पूरा एक सर्किल कंप्लीट करने में अराउंड द सन, ठीक है. वन स्पिन ऑन द एक्सिस, अर्थ जो है अपनी एक एक्सिस पे रोटेट करती है. ये सब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, यू विल बी स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स इन ग्रेजुअल. ओके, सो अर्थ रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का रोटेशन होता है, और अर्थ अपनी एक एक्सिस पे रोटेट करती है. एक्सिस एक इमेजिनरी लाइन होती है, एज सच एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है. लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनरी लाइन है, इसे एक्सिस बोला जाता है, ठीक है. ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, इसे ह्यूमंस ने बनाया है, ज्योग्राफर्स ने बनाया है, कंस्ट्रक्ट करा है, ड्रॉ करा है, रीजन बीइंग जिससे हम हमारी स्टडीज को इजी कर सकें, ठीक है. तो ये एक्सिस के अराउंड आपका अर्थ का रोटेशन होता है. तो हमारी अर्थ एक दिन में पूरा का पूरा अपना रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है. और अर्थ के पास में कितने मून्स हैं, वन, अर्थ हैज वन. तो अगर आपको याद भी करना है तो आप स्पेसिफिकली आपकी अर्थ के बारे में याद कर सकते हैं, ठीक है. एंड बाकी सारे प्लैनेट्स का आप एक बार देख लीजिएगा, इफ यू आर एबल टू लर्न इट यू कैन लर्न, बट फॉर नाउ इट इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू लर्न दिस कंप्लीट टेबल. ओके, अभी सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट कौन से हैं. हमारी अर्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, अर्थ के पास में एक मून है, वो अब एक दिन में पूरा का पूरा स्पिन कंप्लीट कर लेती है, और वो 365 डेज लगाती है सन के चारों तरफ घूमने में. क्लियर? सो विद दिस वी कंप्लीट योर चैप्टर. नाउ क्विकली कम टू द बैक एक्सरसाइजेस, फटाफट से आप बैक एक्सरसाइजेस पर आ जाएं. ओके, बिफोर दैट कम टू दिस वर्ड ओरिजिन, यहाँ पर एक वर्ड ओरिजिन दे रखा है. मेनी वर्ड्स यूज इन अ लैंग्वेज में हैव बीन टेकिंग फॉर सम फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज. ऐसा कई बार होता है कि जो वर्ड्स हम बोलते हैं, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, वो हम किसी दूसरी लैंग्वेज से भी ले लेते हैं, ठीक है. ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इज एन इंग्लिश वर्ड, ज्योग्राफी आपका एक इंग्लिश वर्ड है, इट हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक. लेकिन जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इस वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है. सो दिस वर्ड हैज बीन ओरिजिन इन द ग्रीक, ये ग्रीक वर्ड है एक, जिसका मीनिंग होता है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ. इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, ज्योग्राफी वर्ड आपका दो वर्ड से मिलके बनता है, एक होता है जियो और एक होता है ग्राफी. जियो का मीनिंग होता है अर्थ एंड ग्राफी मीन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ सरफेस. ओके, सो सिंस यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, आप क्लास सिक्स में आ गए हैं, आप एक नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी. सो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, हम अर्थ के सरफेस के डिस्क्रिप्शन के बारे में स्टडी करते हैं. अर्थ पर जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं,
नेचुरल फीचर्स, ह्यूमन फीचर्स जो ह्यूमन ने बनाए हैं, नेचर ने जो बनाए हैं, उन सबको हम कंबाइन करके उन सब की स्टडी करते हैं एंड हम अर्थ के डिस्क्रिप्शन की पूरा का पूरा अर्थ का डिस्क्रिप्शन देखते हैं. डिस्क्रिप्शन मीन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन. ओके ऑल राइट, सो नाउ यू कम टू द बैक एक्सरसाइजेस. आप बैक एक्सरसाइजेस पर आ जाएं. दिस फर्स्ट पोर्शन, दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस इज योर होमवर्क. हमने ये सारे क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं. आपका अर्थ एक यूनिक प्लैनेट क्यों है, यूनिवर्स किसे बोला जाता है, वन साइड ऑफ द मून ही क्यों विजिबल होता है. ओके, प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच में क्या डिफरेंस है. स्टार्स के पास में खुद की हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी होती है, प्लैनेट्स के पास में नहीं होती है. ठीक है, सो यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस एंड दिस इज योर होमवर्क. कम टू क्वेश्चन नंबर टू, टेक द करेक्ट आंसर. द प्लैनेट नोन एज द अर्थ ट्विन इज वीनस, विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. अर्थ, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ इलॉन्गेटेड पाथ. द पोल स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द नॉर्थ. पोल स्टार नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है. एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. ओके, दिस थर्ड वन, फिल इन द ब्लैंक्स. अगेन दिस इज द होमवर्क फॉर यू. सी, होमवर्क देना बहुत जरूरी है सो दैट आप रिवाइज करें चैप्टर को एंड यू आर एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस. बहुत इजी से होमवर्क है ये. ओके, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स इज कॉल्ड अ डैश, दैट इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स. जब ग्रुप ऑफ स्टार्स एक पैटर्न बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, हम कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं. ठीक है, ओके, सो यू नीड टू आंसर दीज. रीड द चैप्टर, लिसन द लेक्चर केयरफुली, यू विल बी एबल टू आंसर इट. ऑल राइट, ओके, सो थैंक यू एवरी वन एंड हैव good day. We'll be moving ahead with a new chapter soon. Till then, what you have to do is do the homework, listen the lecture carefully, read the chapter, keep on marking the things which have been explained to you. आपको जो notes दिखाए गए हैं उन notes को आप अपनी अपनी copies में note down करिए. Okay? Have a good day.